अल्लाह सेवन क्लास हाव यू ऑल टूडे वी विल डू रीडिंग ऑन पेज नंबर फोटी नाइन स्टार्टिंग एम्स एक्सेस क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड दैन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टू थाउजेंड टेन क्या सबसे पहले क्या है कि हमने अगर एम एस एक्सेस को ओपन करना है तो ओपन कैसे करेंगे ओपन करने के लिए सबसे पहले, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें उसमें ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन होगा इस पर क्लिक करें जब ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसके ऑल प्रोग्राम्स में डिफरेंट फोल्डर आते हैं इसमें हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फ़ोल्डर पे आप क्लिक करेंगे जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं वो सब शो हो जाएंगे इसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 पे टेन क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ही न्यू विंडोज है वो ओपन हो जाएगी नेक्स्ट वी रीड क्रिएटिंग अ डाटा बेस अस लर्न हाउ टू क्रिएट अ डाटा बेस कॉल वन स्टेप टू क्रिएट अ डाटा बेस स्टेप वन ऑन ओपनिंग एक्सेस द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडोज ओपन Second, under the File tab, click on New. From the available options, click on Blank Database. Then type a new file name and click on Create. In the right pane, all database files have db extension. The database is created with an empty table with the name Table One. यहाँ पे क्या है कि अगर हमने पहले तो हमने ऑनलाइन पे क्या किया है एम एस एक्सेस को ओपन किया है अब हमने उसमें डाटा बेस को क्रिएट करना है क्रिएट कैसे करेंगे डाटा बेस को क्रिएट करने के लिए देखें जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाती है इसमें आपने क्या करना है यहाँ पर हमारे पास फ़ाइल का ऑप्शन आ रहा है फाइल के ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास न्यू का ऑप्शन है न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन जो है ये ओपन हो जाएगी इसमें सबसे पहले हमारे पास क्योंकि हमने खुद से डाटाबेस क्रिएट करनी है इसलिए ब्लैंक डाटा बेस पर क्लिक करेंगे ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट साइड पर राइट पैन में हमारे पास फाइल नेम का ऑप्शन है इसमें हमने अपने डाटा बेस को जिस नेम से सेव करना है वो नेम टाइप करेंगे और उसके बाद ये क्रिएट का ऑप्शन है इस क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी नेक्स्ट डेटा बेस ऑब्जेक्ट्स दी देयर आर क्वालिट ऑफ यू डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज वाई द डाटा बेस

टेबल में हमारे पास क्या होता है रोज एंड कॉलम्स होती हैं और इसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं सेकेंड है क्यूरी थ्यूरी में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डाटा है टेबल है इसको हम री कर सकते हैं या डिस अपने डाटा को सेलेक्टिवली डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं मीन्स अगर आपने कोई भी एक किसी का क्लास के स्टूडेंट्स के नेम चेक करें फॉर एग्जांपल अगर हमने क्लास का या स्कूल डेटा की डेटाबेस क्रिएट किया गया तो उसमें क्या होगा कि सभी बच्चों के स्टूडेंट्स के नेम होंगे अगर आपने किसी एक ही इस क्लास की डेटा स्टूडेंट्स के नेम देखने हैं तो क्या है उसके लिए हम क्यूली अप्लाई करेंगे तो उसी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का जो डाटा है स्टूडेंट नेम है वो डिस्प्ले करवा देगा उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो अदर फील्ड्स होंगी वो शो नहीं होंगी फॉर्म्स फॉर्म्स में क्या है इसमें हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है एक ही फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टूडेंट्स के डाटा बेस के लिए ले रहे हैं एग्जाम्पल तो इसमें क्या है कि अगर आपने किसी एक स्टूडेंट की इन्फॉमेशन देखनी है तो फॉर्म्स में क्या होगा हमारे पास एक स्टूडेंट के टोटली सारा डाटा जितना भी उसमें हमारा रिकॉर्ड होगा वो सभी शो हो जाएगा एक स्टूडेंट का ओके okay, नेक्स्ट है रिपोर्ट्स दिज आर यूज टू समराइज एंड प्रेजेंट डाटा इन द टेबल्स रिपोर्ट्स क्या है ये हमारे पास समराइज फॉर्म ऑफ डाटा होती है इसमें हमारा डाटा जो समराइज हो जाता है नेक्स्ट है मैक्रोस

स्टेटमेंट और प्रोसीजर्स को डिक्लेयर करता है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए विजुअल बेसिक में लिखे होते हैं नेक्स्ट है टेबल व्यूज अ टेबल क्रिएटेड कैन हैव मल्टीपल व्यूज़ फर्स्ट द डिज़ाइन व्यू दिस इज़ अ डिज़ाइन व्यू आइकन दिस व्यू इज़ यूज टू गिव द फील्ड नेम डाटा टाइप एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड डिज़ाइन व्यू में क्या होता है कि हमारे पास थ्री फील्ड्स होती हैं इसमें फर्स्ट हमारे पास फील्ड नेम होता है सेकंड डाटा टाइप हमने इसमें दे राइट करनी होती है थर्ड इसमें क्या आता है डिस्क्रिप्शन का हमारे पास ऑप्शन होता है अगर हमने कोई डिस्क्रिप्शन देनी हो तो वो दे सकते हैं लेकिन ये हमारे पास फील्ड नेम का कॉलम है इसमें हम डाटा टाइप राइट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है फील्ड नेम में हम कोई भी राइट कर सकते हैं जैसे आई नेम रोल नंबर्स क्लास डेटा टाइप में हम जो भी यहाँ पे फील्ड्स देंगे उसके मुताबिक हम उसकी डेटा टाइप बताएंगे और डिस्क्रिप्शन में अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन बतानी हो देनी हो तो वो भी राइट कर सकते हैं द डेटा शीट व्यू दिस दिस इज़ द आइकन ऑफ डेटा शीट व्यू दिस व्यू शोज़ द टेबल विद द डेटा इन साइड इन इट इट इज़ कनव कन्वीनियन टू एड और एडिट डाटा यूजिंग दिस व्यू डाटा शीट व्यू में क्या होता है डेटा शीट व्यू जब हमारे पास ओपन होती है तो उसमें हम अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने आई डी का आई डी की फील्ड बनाई हुई है तो आई डी वाली फील्ड में हम अपनी आई डीज राइट कर देंगे नेम वाली फील्ड में हम अपनी नेम राइट कर सकते हैं अगर हमने सब्जेक्ट राइट किया हुआ है तो सब्जेक्ट वाली फील्ड में हम अपने सब्जेक्ट्स राइट कर सकते हैं ओके okay. नेक्स्ट यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास डेटा एंट्री की हुई है फील्ड वन यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है फील्ड आईडी फील्ड वन फील्ड टू फील्ड थ्री आईडी को हमने ऑटो में ऑटो नंबर्स दिया हुआ है फील्ड वन की हमने डाटा टाइप क्या सिलेक्ट की हुई है टैक्स फील्ड टू की भी डाटा टाइप टेक्स लग की हुई है फील्ड थ्री की डाटा टाइप क्या सिलेक्ट की हुई है नंबर तो यहाँ पर देखें आई में हम अपनी आई राइट कर रहे हैं फील्ड वन में नेम फील्ड टू में एड्रेस फील्ड थ्री में फ़ोन नंबर तो ये सब क्या है ये जो हमने अंदर डाटा एंटर किया है ये किस व्यू में किया है डाटा शीट व्यू में ये हमारे पास जो व्यू है ये डिज़ाइन व्यू है इसमें हम अपना डिज़ाइन बना रहे हैं अपने टेबल को डिज़ाइन कर रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे हम अपने डाटा को डिज़ाइन शीट व्यू में क्या कर रहे हैं अपने डाटा को एंटर कर रहे हैं डिज़ाइन शीट व्यू में क्या है अगर आपका कोई डाटा डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं एडिट करना है तो उसे एडिट भी कर सकते हैं नेक्स्ट पीवर टेबल व्यू दिस व्यू प्रोवाइड्स अ यूजफुल वे टू समराइज़ डाटा अबाउट ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड। पीवर टेबल व्यू में क्या है कि आप अपने डेटा को समराइज़ कर सकते हैं ग्रुप्स में पीवर चार्ट व्यू दिस व्यू क्रिएट्स अ चार्ज फ्राम द एसोसिएटेड पीवर टेबल व्यू इसमें क्या है अगर आपने अपने डाटा को चार्ट की फॉर्म में शो करवाना है तो उसके लिए आप पीवर चार्ट व्यू को भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है चेंजिंग द व्यूज अगर आपने कोई व्यू चेंज करना है तो कैसे करेंगे टू चेंज द व्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स स्टेप वन ओपन द डाटा बेस फाइल डेटा बेस फाइल को ओपन करेंगे डबल क्लिक द टेबल नेम इन द नेविगेशन पैन ऑफ लेफ्ट डूइंग द अबव विल ओपन द टेबल इन डेटा डाटा शीट व्यू सबसे पहले क्या करेंगे हम अपने डेटाबेस को ओपन करेंगे उसमें हमने जिस का व्यू चेंज करना है उस पर टेबल पे जैसे फॉर एग्जांपल टेबल वन का हमने चेंज करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डाटा शीट व्यू ओपन हो जाएगा डाटा शीट व्यू में हम सॉरी डाटा डिज़ाइन इसमें हम अपने डाटा को फिर डिलीट करके दोबारा से चेंज कर सकते हैं स्टेप फोर क्लिक ऑन द व्यू ड्रॉप डाउन बटन इन द व्यूज ग्रुप ऑन द होम टैब उसके बाद आपने क्या करना है होम टैब पे क्लिक करना है होम टैब में हमारे पास व्यू का ऑप्शन होगा व्यू ड्रॉप डाउन उस पर एरो पे ये व्यू का ऑप्शन है इस पर होम टैब में व्यू टैब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके डिफरेंट व्यूज आ जाएंगे सेलेक्ट द व्यू फ्रॉम द लिस्ट दैट यू वांट उसके बाद आपने इन दोनों में से जो भी लिस्ट दी हुई है इसमें से जो भी ऑप्शन चूज़ करना है उसे चूज़ करेंगे तो वही आपका ऑप्शन जो है जो चूज़ किया होगा उसी के मुताबिक आपका डाटा ओपन हो जाएगा क्रिएटिंग अ टेबल द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू बी एडिट टू द डाटा बेस इज़ द टेबल टेबल कैन बी क्रिएटेड इन द डिज़ाइन व्यू और अ डाटा शीट व्यू क्रिएटिंग अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू सबसे पहले क्या है कि हमने अपने टेबल को क्रिएट कैसे करना है डिज़ाइन शीट व्यू में in design view we have to first create the structure of the table to enter the data the view is changed the data sheet view to enter data in order to create table step 1 click on create table tab and under tables group press table design this is the icon of table design on doing above we will see a table that opens up with three columns related to the table the three columns refers to the sum description of elements of the table like field name data type and description each enter, enter each field of table and the above element of each field at the fourth at the bottom of the design view of the table there are two tabs of to define some additional characteristics properties of each field for the table of the table इसमें क्या है सबसे पहले अगर हमने कोई न्यू टेबल क्रिएट करना है तो न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसमें हमारे पास टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन है टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जब हम टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक न्यू टेबल जो है वो ओपन हो जाएगा देखिए पहले हमारे पास टेबल वन क्रिएट था अब हमारे पास यहाँ पर न्यू टेबल टू क्रिएट हो गया इसमें हमारे पास हमारी थ्री फील्ड्स ही शो होंगी फर्स्ट क्या आती है हमारे पास फील्ड नेम सेकेंड हमारे पास डाटा टाइप का ऑप्शन फील्ड थी और थर्ड क्या आती है डिस्क्रिप्शन की फील्ड नेम में हमने जो भी अपना डाटा क्रिएट करना है आई डी नेम पासवर्ड जो भी हमने राइट करना है वो राइट करेंगे नेक्स्ट हम इसमें डाटा टाइप में उसकी डाटा टाइप बताएंगे थर्ड डिस्क्रिप्शन में अगर हमने उसकी कोई डिस्क्रिप्शन बतानी है तो उसकी डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे डिस्क्रिप्शन राइट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी शो हो रही हैं हर फील्ड की हमारे पास यहाँ पे जैसे कि यहाँ डाटा डाटा टाइप सेलेक्ट की हुई है तो यहाँ पे उसकी सारी डिफरेंट जो करैक्ट्रिक करैक्ट्रिक uh, हैं वो शो हो रही हैं नेक्स्ट फाइव आफ्टर एंट्रिंग ऑल डाटा इन द टेबल क्लिक ऑन फाइल टैब एंड क्लिक सेव उसके बाद आप क्या करेंगे जब आप अपने डाटा को एंटर कर लेंगे तो उसके बाद आपने फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है उसमें आपके पास सेव का ऑप्शन होगा नेक्स्ट द सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन एंड एंटर द एंटर अ नेम फॉर द टेबल एंड क्लिक ऑन ओके आ डायलॉग बॉक्स ओपन आस्किंग यू टू एंटर अ प्राइमरी की क्लिक नो इन दिस डायलॉग बॉक्स नेक्स्ट हमारे पास जब हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पे अपने टेबल का नेम राइट करना है जो भी करना है राइट करना चाहें आप उसके बाद ओके ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो टेबल जो है वो सेव हो जाएगा इसी में आपसे वो प्राइमरी की का भी पूछेंगे अगर तो आपने अपनी आई डी पर टेबल टे टे, पर प्राइमरी की लगानी है तो यस कर देंगे अगर प्राइमरी की आपने नहीं अटैच करनी तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट टू एड डाटा टू अ टेबल टू एड डाटा टू द अबव क्रिएटेड टेबल वी नीड टू शिफ्ट टू द डाटा शीट व्यू अब हमने जब पहले तो हमने क्या किया अपने टेबल को क्रिएट किया अब उस टेबल में अगर हमने अपने डाटा को एंटर करना है तो डाटा को एंटर कैसे करेंगे ऐड कैसे करेंगे डाटा उसके लिए डबल क्लिक द नेम ऑफ द टेबल क्रिएटेड इन द डिज़ाइन व्यू सीन इन द नेविगेशन पेन द डाटा शीट व्यू ओपन्स यू कैन यू मे नाउ स्टार्ट एंटिंग डाटा थर्ड To enter data, click on the particular box in a datasheet view. Press Tab from the keyboard to move to the next field. Press Shift plus Tab to move to the प्रीवियस फील्ड डाटा इंटर कैसे करना है डेटा इंटर करने के लिए जो टेबल आपने क्रिएट किया है उस पर डबल क्लिक करेंगे जब आप उस पर डबल क्लिक क्लिक करेंगे तो उसकी डाटा शीट व्यू ओपन हो जाएगी डाटा शीट उसमें उसके बाद आपने जिस भी फील्ड में राइट करना है जैसे यहाँ पर आई डी वाली अगर फील्ड है उसमें आई डी राइट करनी है तो आप उसमें क्लिक कर सकती हैं फील्ड वाले क्लिक करेंगे तो जिसमें आप क्लिक करके राइट करना स्टार्ट करेंगे आपका डाटा उसी में एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट कीज भी हैं कि अगर आप टैब अगर आपने फील्ड में कीबोर्ड को यूज़ करते हुए मूव करना है माउस को यूज़ नहीं करना है तो इसके लिए अगर आप टैब टैब की की को प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट फील्ड में मूव हो जाएगा और अगर आपने प्रीवियस फील्ड में जाना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो प्रीवियस फील्ड में मूव हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स नाउ यू विल डू दिस रीडिंग ऑन बुक एंड आल्सो लर्न द Highlighting definition and steps. Okay students, have a nice day.